आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला? 2014 में जब हमें आप सब ने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे, ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे? ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे।
जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं।